वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर 10th चैप्टर द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। ओके, हमने इससे पहले पोएम पढ़ी है गार्डन स्नेक, है ना। सो द स्टोरी ऑफ क्रिकेट से पहले हम देख लेते हैं, स्पोर्ट्स इज एन इंट्रिगल पार्ट ऑफ अ हेल्दी लाइफ, है ना। एक स्वस्थ लाइफ के पीछे स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। इट इज़ वन वे इन विच वी एम्यूज आवर सेल्फ, कम्पीट विथ ईच अदर एंड स्टे फिट। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपने आप को बिजी रखते हैं, एक दूसरे से कम्पीट करते हैं और स्टे फिट भी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। अमंग द वेरियस स्पोर्ट्स सच एज हॉकी फुटबॉल एंड टेनिस, क्रिकेट अपीयर्स टू बी द मोस्ट अपीलिंग नेशनल एंटरटेनमेंट टुडे। तो जिस तरह हॉकी फुटबॉल टेनिस है, उस तरह क्रिकेट आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट पूरा इंटरनेशनल तरीके से या नेशनल तरीके से हो गया है। हाउ मच डू वी रियली नो अबाउट द गेम क्रिकेट, तो हम क्रिकेट के बारे में कितना जानते हैं, हम इस चैप्टर में यही देखने वाले हैं। द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट ग्रू आउट ऑफ मेनी स्टिक एंड बॉल गेम्स प्लेड इन इंग्लैंड 500 ईयर अगो, यानी इंग्लैंड में जो है स्टिक और बॉल गेम्स, यानी एक लकड़ी रहती है और एक बॉल रहता है, जो ऐसे बहुत सारे गेम खेले जाते थे। सो उन्हीं में से एक गेम उभर के आया जो कि क्रिकेट है। द वर्ड बैट इज एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड दैट सिंपली मीन्स स्टिक और क्लब। सो बैट का मतलब क्या होता है, एक इंग्लिश वर्ड है जिसका सिंपली मीनिंग क्या होता है, स्टिक और क्लब, यानी लकड़ी और क्लब होता है। बाय द 7th century और 7th-7वीं शताब्दी में क्रिकेट हैड इवॉल्वड इनफ टू बी रिकॉग्निजेबल एज अ डिस्टिंक्ट गेम, और 7वीं शताब्दी आते आते क्रिकेट को लोग जानने लग गए थे। टिल द मिडिल ऑफ द 18th century और 18th century के आसपास, बैट्स 18वीं शताब्दी ना, या 17वीं शताब्दी बैट्स वर रफली द सेम शेप एज हॉकी स्टिक, और 18वीं शताब्दी यानी 18th century तक बैट जो है हॉकी स्टिक जैसे रहते थे। कर्व्ड आउटवर्ड एट द बॉटम, नीचे से वैसे वैसे मुड़े हुए। देर वॉज अ सिंपल रीजन फॉर दिस, इसके लिए एक मेन कारण क्या था, सिंपल सा कारण, द बॉल वॉज बोल्ड अंडर आर्म्स। उस समय बॉलिंग कैसे की जाती थी, ऐसे नीचे लुढ़का के करते थे। अलोंग द ग्राउंड एंड द कर्व एट द एंड ऑफ द बैट गिव द बैट्समैन द बेस्ट चांस ऑफ मेकिंग कॉन्टैक्ट, तो बैट ऐसा नीचे से मुड़ा हुआ क्यों रहता था, क्योंकि बॉल को पहले लुढ़का के फेंकते थे, जैसे आजकल क्रिकेट में वन टिप करके या डायरेक्ट फेंक देते हैं, लेकिन उस समय बॉल को लुढ़का के ग्राउंड पर फेंकते थे, इसलिए वो बैट घुमा हुआ रहता था ताकि उसको उठाया जा सके। वन ऑफ द पेक्यूलरिटी ऑफ क्रिकेट इज दैट, क्रिकेट की एक विशेषता ये भी है, अ टेस्ट मैच कैन गो ऑन फॉर 5 days, यानी क्रिकेट की विशेषता देखो कि एक टेस्ट मैच 5 दिनों तक चलता है एंड स्टिल एंड इन अ ड्रा, और 5 दिनों तक चलने के बाद भी कभी कभी वो ड्रा हो जाता है। नो अदर मोडर्न टीम स्पोर्ट्स टेक एवर हाफ एज मच टाइम टू, एक भी ऐसा गेम नहीं है जो इसका आधा समय भी लेता हो। अ फुटबॉल मैच इज जनरली ओवर इन हाफ एन आवर, एक 1.5 घंटे में फुटबॉल मैच भी खत्म हो जाता है। इवन बेसबॉल कंप्लीट 9 innings इन लेस देन हाफ द टाइम दैट इट टेक टू प्ले लिमिटेड ओवर मैच, द शॉर्टन वर्जन ऑफ मॉडर्न क्रिकेट। तो बेसबॉल भी बहुत छोटा है, 9 innings होती इसमें, लेकिन ये भी क्रिकेट से बहुत कम टाइम में, ये देखो ये द ओल्डेस्ट क्रिकेट बैट इन एग्जिस्टेंस, इस तरीके से क्रिकेट बैट था, नीचे से मुड़ा हुआ, है ना। हॉकी स्टिक थोड़ी ज़्यादा मुड़ी हुई रहती है, थोड़ा ऐसा था। अनदर क्यूरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिकेट इज दैट, एक और इसकी जो विशिष्टता है, दैट द लेंथ ऑफ द पिच इज स्पेसिफाइड, पिच की जो लेंथ है वो फिक्स है, 22 yards, यानी 22 yards की पिच की लेंथ रहती है। बट द साइज और शेप ऑफ द ग्राउंड इज नॉट, लेकिन ग्राउंड का साइज और शेप छोटा बड़ा हो सकता है। मोस्ट अदर टीम स्पोर्ट्स सच अ हॉकी फुटबॉल ले डाउन द डायमेंशन ऑफ द प्लेइंग एरिया, बाकी सारे गेम के प्लेइंग एरिया फिक्स है, लेकिन क्रिकेट की सिर्फ पिच फिक्स है, ग्राउंड छोटा बड़ा हो सकता है, क्रिकेट डज नॉट, क्रिकेट में ऐसा नहीं है। ग्राउंड कैन बी ओवल लाइक द एड्रेलेट ओवल और नियरली सर्कुलर लाइक द चिपोक इन द चेन्नई, तो ग्राउंड ओवल शेप का यानी अंडाकार भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है। अ सिक्स एट द मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड नीडेड टू क्लियर मच मोर ग्राउंड देन इट डज नॉट अ फिरोज शाह कोटलाइन दिल्ली, तो अ सिक्स एट द मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड नीड टू बी क्लियर मच मोर ग्राउंड देन इट डज नॉट फिरोज
मेलबर्न में सिक्स आसानी से लग जाते, लेकिन दिल्ली का जो फिरोज शाह कोटला है स्टेडियम वहाँ पर मुश्किल होता है। देर इज अ हिस्टोरिकल रीजन बिहाइंड बोथ दिस ओडिटीज, इनके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है। क्रिकेट वॉज द अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट्स टू बी कोडिफाई, यानी क्रिकेट स्टार्टिंग का टीम बनाने वाला पहला गेम था। द फर्स्ट रिटर्न लॉ ऑफ क्रिकेट वर ड्रॉन अप इन 1744, और लॉ ऑफ क्रिकेट के नियमों का सबसे पहले रिटर्न में कब निकाला गया था, 1744 में, 1744 में। दे स्टेटेड, उन्होंने लिखा था, द प्रिंसिपल शाल चूज फ्रॉम अमंग द जेंटलमैन प्रेजेंट टू एम्पायर्स हु शाल एब्सोल्युटली डिसाइड ऑल डिस्प्यूट्स, तो एम्पायर चुने जाएंगे जो सारे डिस्प्यूट्स को सोल्व करेंगे। द स्टम्प्स मस्ट बी 22 inch हाई, 22 inch स्टम्प ऊँचे रहने चाहिए, एंड द बेल अक्रॉस धैम 6 inch, उनके बीच में जो गुल्लियाँ हैं वो 6 inch की रहनी चाहिए। द माल द बॉल मस्ट बी बिटवीन 5 and 6 oz, और बॉल का वजन कितना होता है, 5 और 6 oz के आसपास बीच में, है ना। एंड द टू सेट ऑफ द स्टम्प्स 22 yards अपार्ट, और दोनों जो सेट स्टम्प के लगते हैं वो एक दूसरे से 22 yard दूर, यानी 22 कदम के लगभग दूर रहनी चाहिए। द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट क्लब वॉज फॉर्म्ड इन हम्बलडन इन 1760s, पहला क्रिकेट क्लब कहाँ पर, हम्बलडन में 1760s में। एंड मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब MCC वॉज फाउंडेड इन 1787, और जो ये है मेरिलबोर्न ये क्रिकेट क्लब, ये 1787 में, सबसे पहला 1760 में बना हम्बलडन में, उसके बाद मेरिलबोर्न में 1787। ड्यूरिंग द 1760s एंड 1770s इट बिकेम कॉमन टू पिच द बॉल थ्रू द एयर रादर देन रोल अमंग द ग्राउंड, और इस समय तक बॉल को अब लुढ़काने की प्रथा खत्म होती जा रही थी, अब उसको हवा में डायरेक्ट डाली जा सकती थी। दिस चेंज गिव बॉलर द ऑप्शन ऑफ लेंथ, इसकी वजह से बॉलर को काफ़ी अच्छा सहयोग मिला लेंथ का, डिसेप्शन थ्रू द एयर हवा में उसको घुमाना, प्लस इंक्रीज पेस, पेस बढ़ाने का मौका भी मिला। इट ऑल्सो ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर स्पिन एंड स्विंग, तो ये हवा में फेंकने के बाद ही बॉल स्पिन और स्विंग कराई जा सकती थी, लुढ़काते समय तो कुछ नहीं कर सकते थे। इन रिस्पॉन्स, इसके बदले में बैट्समैन हैड टू मास्टर टाइमिंग एंड शॉट सिलेक्शन, तो इसी के साथ बैट्समैन को भी काफ़ी मास्टर टाइमिंग मिल गई और शॉट भी अच्छे अच्छे करने लग गए। वन इमीडिएट रिजल्ट वॉज द रिप्लेसमेंट ऑफ द कर्व्ड बैट विद द स्ट्रेट वन, और ये बॉल जब से हवा में फेंकने लग गए तब से बैट चेंज कर लिया गया है। द वेट ऑफ द बॉल वॉज लिमिटेड टू बिटवीन 5.5 to 5.3/4 oz, एंड द विड्थ ऑफ द बैट टू 4 inches, बैट कितना 4 inch चौड़ा कर दिया गया। इन 1774 द फर्स्ट लेग बिफोर लॉ वॉज पब्लिश्ड, 1774 में सबसे पहला क्रिकेट का नियम पब्लिश किया गया। ऑल्सो अराउंड दिस टाइम, इसी समय के आसपास थर्ड स्टम्प बिकेम कॉमन, थर्ड स्टम्प भी बन गई, उस समय दो स्टम्प ही लगा रहे थे। बाय 1780s 3 days हैड बिकम द लेंथ ऑफ द मेजर मैच, और 1780 तक 3 दिनों तक मैच चलता था। एंड दिस ईयर ऑल्सो सा द क्रिएशन ऑफ फर्स्ट 6-seam क्रिकेट बॉल, और 6-seam क्रिकेट बॉल भी लाई गई। ठीक है, ये देखो द पेवेलियन ऑफ द मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब 1874 में, वहाँ का पेवेलियन कुछ इस प्रकार से था। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्रिकेट की ये हिस्ट्री है, इस तरीके से क्रिकेट डेवलप हुआ है, इसको कल और पढ़ के हम आगे बढ़ाएंगे। ओके, सो इतने में आप इसको लाइन बाय लाइन फिर से पढ़िएगा, अच्छी जानकारी है क्रिकेट के बारे में। ओके, बाय।